नमस्कार सर, मेरा नाम विनीत शर्मा है। मैं प्रॉपरली अशोक नगर से हूँ, बट इंदौर में 4 साल से रह रहा हूँ और मैं खुद की कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग रन करता हूँ। जी, मैंने मिस्टर कॉन्फिडेंट टाइटल जीता है पिछली रात और मैं अब आज का वेट कर रहा हूँ कि क्या होप्स हो, कुछ अच्छा हो। मैं अपना 100% दूंगा। सर, मध्य प्रदेश के हर शहर में बहुत टैलेंट है जो पहले दिखाई नहीं देता था, पर अब वो स्टार्ट हो गया है देखना। लोग आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि ग्वालियर से, इंदौर से, भोपाल से, जबलपुर, छोटे छोटे शहरों से अब लोग आना स्टार्ट हो गए हैं और अपनी प्रतिभा दिखाने लगे। जी सर, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरी कंपनी ओन रन करता हूँ, त्र्यंबकेश्वर कंस्ट्रक्शन, जो कि इंदौर में है। और मेरी फैमिली, मेरे पापा मजिस्ट्रेट हैं एंड मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, वो गवर्नमेंट जॉब में। छोटा था जब मैं, प्रियंका चोपड़ा को देखा था मैंने कि मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड वो जाती थी, तो मैं सर्च करने लगा। उस टाइम पे नेट नहीं होते थे, इतना कम चलता था, तो मैं मैगजीन्स पढ़ने लगा। तो मैगजीन में मैंने देखा कि मैन हंट्स भी होते हैं, जैसे ग्लैडरेक्स हुआ वगैरह, तो मैन हंट्स भी होते हैं। तो फिर मेरे अंदर शौक जागा कि मैं कर सकता हूँ। थोड़ी हाइट थी तो मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने शौक वहाँ से। इंदौर में बहुत टैलेंट है सर, आप खुद भी जानते होंगे ये चीज़ कि वहाँ पे जहाँ मतलब छोटे शहर से जो लोग आते हैं सर, वो और 100% देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए और फाइट टफ रहती है बड़े शहरों में जाके, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। लेकिन वो अपने आप को इतना ग्रूम करते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं कि वो वहाँ जाकर बेटर परफॉर्म कर सके और हो सके। सर, मैंने हर किसी से बहुत कुछ सीखा है और मैं हमेशा सीखता ही हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त बने यहाँ पे और जो सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बेटर है। अलग अलग तरीके के, मतलब इंडिया के कल्चर के बारे में मुझे जानने मिला, सीखने मिला, और अब हमेशा लाइफ में मैं उनसे कनेक्ट रहूँगा और बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ करेंगे साथ। मेरी मम्मी देखती हैं, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ इसको, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमें बहुत से आर्टिस्टों के छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है जो हमें पता नहीं होती है, तो हमें उनकी स्ट्रगल या वो जो करते थे पहले वो जानने को मिलता है, क्योंकि आप फेस देखते हो टीवी पर, लेकिन उनके बैक वो कहाँ से आए, उन्होंने क्या किया, ये सब सास बहू बेटियाँ से दिखाता है। थैंक यू सर।